तो अभी तक तो आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि लापता इस एमपी में एक बहुत बड़ी बाढ़ होने वाली है, और जो मैंने चिंगारी लगाई थी वो सही जगह आखिरकार थोड़ा लेट लगी, लेकिन चलो लगी गई है। और इस वॉर को भाई मुझे किसी भी तरह से भाई जीतना है तो जीतना है, और इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहली चीज है मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन 4 के आर्मर से तो जाऊंगा नहीं, लड़ने मर जाऊंगा। तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन 6 का आर्मर जो कि मुझे किसी से छीनना पड़ सकता है, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि आज की इस वाले वीडियो में हम इकट्ठी करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में आपने देख ही लिया था कि मिस्टर लैपिस और दीपू भाई को भी भाई प्रोटेक्शन 6 की रेसिपी पता थी, मुझे लगता था भाई सिर्फ मुझे पता है, लेकिन उनको भी पता थी। तो चलो अभी भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है ये वाली वीडियो लेट आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बीच में एक और वीडियो डालने वाला था लेकिन वो थोड़ी सी खराब हो गई, तो या इसी वजह से थोड़ी लेट वीडियो आ रही है। इस वाले वीडियो पे प्लीज से प्लीज भाई 25,000 लाइक का मैं कंप्लीट करवा देना, अभी के अभी लाइक दबा दो, एक पैसा नहीं लगता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना सीक्रेट वाला बेस, जो कि ये तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक दो चेंजेस और किए हैं जो कि मेरे को आपको दिखाने थे। सबसे पहले मैं इसे बंद करता हूँ, अभी तक वही है सस्ता काम, डर्ट लगाओ अंदर आओ, और यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे ये लगाया हुआ है। और एक और बात भाई, डुगलू को थोड़ा डैमेज पड़ा, उसके बाद इसके हर्ट ही नहीं बढ़ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। देखो मेरे पास कैरेट है ना, अभी देखना मैंने इसे कैरेट खिलाई तो ऐसे इसके हर्ट अभी बढ़ने चाहिए, लेकिन अभी भी एक ही है भाई। तबीयत तो वो ठीक है भाई, बढ़ क्यों नहीं रहे डुगलू। अरे यार हेलो, क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, मैंने उससे उधर ही बांध के रखा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है भाई। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मेरे को आपको बताना है, मैंने इसे थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बटन लगाया जो कि किसी को नहीं दिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बटन है, तो इन पे ध्यान जाएगा, इस पे जरूर नहीं जाएगा क्योंकि ये नहीं दिखता सीधी बात। तो इसको हम अगर खोलेंगे तो इधर से एक रास्ता खुल जाएगा, और यहीं पे बिल्कुल यहीं पे वो डुगलू फंसा, और उसके बाद उसकी हेल्थ गई और तब से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास विलेजर है, जो कि तो आप ये कह सकते हो कि मैंने इन्हें भूत से, इंसान तो एक जगह से भी नहीं लग रहे, भूत से राक्षस बनाया है, और इस महान काम के लिए मुझे 1 लाख तो बनता है ना, तो अभी अभी मार दो। और या देख लो ये काम की चीजें देते हैं, ये देखो ये मेंडिंग देता है, ये चचा ये देते हैं, प्रोटेक्शन 4 देते हैं, और काफी सस्ती देते हैं क्योंकि इन्हें भूत से मैंने इंसान बनाया आपको बताइए। और ये पावर 5 देता है जो कि मैंने एक ले रखी है, और ये एमरल वाले चचा हैं जिनसे मैंने बहुत सारे एमरल लिए हैं। और या यहाँ तक अगर आप आओगे तो आपको लगेगा बस खत्म हो गया, चलो वापस चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे और भी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे मेरे लिए एक एनचांटमेंट टेबल है जिसमें कि मैं एनचांट कर सकता हूँ। क्या करूँ एनचांट, सब कुछ एनचांटेड है, मेरे को जरूरत तो नहीं है अभी, या तो नहीं है जरूरत है, तो अभी आगे चलते हैं। तो आगे जाने के लिए यहाँ पे एक हल्का सा बटन है, और इस साइड खुल चुका रास्ता, तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा। यहाँ पे एक और दरवाजा है, और इसके बाद यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ खजाना। यहाँ पे तो अभी सिंपल डायमंड कार्मर है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कुछ रखने वाला हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो सारा सामान लेना है इस वीडियो पे। ये सारे के सारे अभी से खाली मिलेंगे, ये सारे के सारे अभी हमें भरने हैं। और चलो मैं बता देता हूँ, हमें लिस्ट बता देता हूँ, मैंने पूरी लिख के रखा है कि हमें क्या क्या सामान चाहिए पावरफुल बनने के लिए लापता चैंपियन में। सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रोटेक्शन 6 का आर्मर, जो कि मिलेगा हमें, नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे मिलेगा, क्योंकि देखो डायमंड से बनाना ईजी है, लेकिन अभी इतने डायमंड तो नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मेरे पास एक और प्लान है उसको लेने के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इलाइट्रा, इलाइट्रा मैं ले लेता हूँ। तो अभी हम नेदर में जाने वाले हैं, और हमें चाहिए घास टीयर, उससे बनेंगे भाई हमारे क्या क्या एंड क्रिस्टल, क्योंकि एंड क्रिस्टल मेरी कमजोरी है कह सकते हो। मैं 2 बार मरा हूँ इसलिए आप पता है इस एमपी में, और दोनों बार मरा हूँ मैं बताइए आपको एंड क्रिस्टल से। तो अभी तो मेरे को भी लेने पड़ेंगे, कमजोरी को हम पावर बना लेंगे अपनी। हाँ, और मैं कह रहा था मुझे चाहिए एंडर पल, उसके बाद मैंने लिख के रखा है, कहाँ पे लिखा है रुको देख लेता हूँ। हाँ, तो मुझे चाहिए एंडर पल, उसके बाद चाहिए मुझे टोटम, उसके बाद चाहिए मुझे गोल्डन एप्पल्स। तो इसे बंद करते हैं, और यहाँ पे पोर्टल है तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, मेरे पास इलाइट्रा है तो मस्त उड़ उड़ के जाऊँगा। ओके, तो अभी हम करने वाले हैं इलाइट्रा का दुरुपयोग, बच गया। ओके, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे फ्री के एमरल है तो छोड़ने क्यों है भाई। एक सेकंड, मैं इन्हें एमरल क्यों कह रहा हूँ, ये तो एंडर पल है, मर जा। चलो अभी आगे चलते हैं, और एक सेकंड, भाई साहब मर जाता मैं अभी। और सामने हमें बेजेंट मिल चुका है, इसमें हमें गोल्ड मिल सकता है, नहीं ये तो लूटेड है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। ओ भाई नाइस,
ओके इसने भी फेंका, नाइस। कि गाइस तो अभी मेरे को क्या बोलते हैं एंड क्रिस्टल बनाना है, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी सैंड चाहिए। तो आसपास देख के आते हैं यहाँ पे कहीं सैंड है या नहीं। मैं एक ही डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। ओके मिल गए नाइस 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 नाइस। तो यहाँ पे बहुत सारी कह सकते हैं ऐसे, हाँ काफ़ी है ऐसे, जितनी चाहिए उतनी है। मेरे को ज़्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़े से ग्लास बनाने हैं। थोड़े से ग्लास से अपना काम हो जाएगा, और इस पर कुछ लगा भी नहीं है फिर भी चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना फास्ट है उतना सही है, मतलब उससे ज़्यादा की भी जरूरत नहीं है। ऐसे पता ही होगा आपको, एफिशिएंसी 5 लग जाए ना तो सर करके एकदम से ख़त्म। और हाँ, मेरे को एक और चीज़ टेस्ट करनी थी, एफिशिएंसी वगैरह की वो भी बनती है क्या, पिकैक्स वगैरह अगर बन जाए तो बहुत ज़्यादा ही मस्त हो जाएगा। ऐसे मुझे लगता होती होगी, लेकिन यार ट्राई करेंगे बाद में हम। और हाँ, ये आप देख सकते हो मेरे पास रॉकेट कहते हैं, ये ख़त्म हो गए थे तो भी मैंने बहुत सारे रॉकेट बना लिए, क्योंकि काम आएंगे भाई। और या इलाइट्रा तो मस्त तरीके से अपने पे हाई, कह सकते हो आप इसे ठापा हुआ इलाइट्रा भी, लेकिन चलो भाई जो भी है, इलाइट्रा तो इलाइट्रा है अपने पास अभी। और ओके इसी के साथ अच्छी लैंडिंग हुई है, ड्रिप स्टोन पर गिर जाऊँगा तो यहीं पर मर जाऊँगा। और या चलो चलते आगे, एक साइड में नीचे क्यों गया, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसमें तो तब वेट ही करते हैं भाई, और क्या ही कर सकते हैं भाई साहब। सिर्फ मेरे पास 11 ही बनने वाला है एंड क्रिस्टल, तो भाई मुझे फूक फूक के इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11 बार यूज़ कर रहा हूँ तो समझ लो 11 बंदों को तो टपकाना है ही, या फिर 11 बार तो मारना है ही भाई। एकदम जब मरना वाला बंदा तभी यूज़ करना है इसका, वरना तो इतने ज़्यादा महंगी चीज़ है भाई, कहाँ से लाऊंगा इसे। ओके तो इसी के साथ अपना एंड क्रिस्टल वाला काम कंप्लीट। और मेरे पास यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्सीडियन पड़े हुए थे जो कि मैंने ले लिए हैं, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सामान है जिसे कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपने सीक्रेट वाले कमरे पे, क्योंकि सेफ रहना चाहिए। और अभी देखो बॉर काफ़ी ज़्यादा करीब है, ये मैं ही डिसाइड करूँगा कि कब है। तो मैं तो तभी डिसाइड करूँगा जब मैं पूरी तरह पावरफुल होगा, तो अभी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना बाकी, अभी मैं उतना भी नहीं हूँ। ओके गाइस तो अभी हम पूरी तरह रेडी है, और अभी हम जाने वाले हैं रेड करवाने के लिए। और रेड क्यों करवानी है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ ही जाएगा इसे देख के। सबसे पहले मुझे रेड करवाने के लिए पिलेजर आउटपोस्ट में जाना होगा, और वो इसी साइड पे है, तो जल्दी से चलते हैं। इलाइट्रा के साथ ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, एक दो मिनट का बात है, मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड्स की बात है। ओके भाई तो अभी रेड आ चुकी थी, रेड कराने के लिए मैं उसी वाले पिलेजर आउटपोस्ट में गया था। तो अभी मुझे रेड से दो चीज़ें चाहिए, पहली चीज़ जो कि है टोटम, और दूसरी चीज़ चाहिए मुझे रेवेजर। और रेवेजर क्यों चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो बस। ओके गाइस तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ प्रोटेक्शन 6 के लिए, और या मुझे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी। तो मैं बता देता हूँ अभी कि मैं प्रोटेक्शन 6 कैसे बता देता हूँ क्या भाई, आपको पता लग ही चुका मैं कैसे लेने वाला हूँ। ये मेरा प्लान फेल हो जाता अगर अब ये चला जाता। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं प्रोटेक्शन 6 का आर्मर किसी से छीनने वाला हूँ, और किससे छीनने वाला हूँ आपको पता लग ही चुका होगा अभी, मैं ट्रेड गेमर से छीनने वाला हूँ। तो अभी तो मैं पूरी तरह से लगभग कह सकते हो तैयार हूँ, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है, ये रहा मेरा शबल, इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे मैं साथ में रखूँगा भाई, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने पूरा सामान अपने साथ रखा हुआ है। आई होप कि मेरा ट्रैप काम करे, और करेगा जहाँ तक मुझे लगता है बीसी में है ना। तो अभी बुला लेता हूँ मैं, बाद में फिर नखरे करते हैं ये लोग। हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो क्या हो गया। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप हो कहाँ पे सबसे पहले ये बताओ।
अरे मैं इधर ही मंडरा रहा हूँ, क्या हो गया? ओके कहाँ पे हो? ओके ओके मुझे दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए। भाई कहाँ जा रहे हो? इधर। अच्छा आपने बुला लिया। हाँ, मुझे एक काम था कि मतलब रुक जाओ। तो मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे को भी काम है एक जोड़ा था, तो पहले मैं अपना काम बता देता हूँ फिर उसके बाद आपका काम करते हैं, ठीक है? तो कौन सा मैं काम आपको है? एक बड़ा सा गिफ्ट, एक सेकंड, आपके पास प्रोटेक्शन सिक्स का आर्मर है क्या अभी पहना हुआ आपने? प्रोटेक्शन सिक्स क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे मतलब आपको कहीं मेरे से खतरा ना हो, है ना पहना हुआ? प्रोटेक्शन सिक्स है क्या? अरे आपने पहना हुआ है या नहीं ऐसा बताओ मुझे। मेरे बहन रखा है। हाँ अच्छी बात है, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है चलो। क्यों क्यों चलना है वैसे? कहाँ ले चल रहे हो ये तो बताओ। अरे मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट। भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं चला भाई, बाय बाय। अरे आओ ना यार, भाई मैं आपको इलाइट्रा देने वाला हूँ, आना तो आ जाओ, नहीं आना तो भाड़ में जाओ। सही में या भाई इतने ज्यादा आप इतना ज्यादा क्या गिफ्ट नो देने लगे क्वेश्चन आप? प्लीज। हेलो ट्रेडी गेमर। हेलो। हाँ 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 तो ये लो इलाइट्रा पड़ा होगा, उसे पता नहीं कहाँ चले गए थे, ले लो। ओके ओके। मेंडिंग भी लगा रखा है भाई। ओए ये ओ नहीं नहीं शिट। नहीं 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 ये इतने सारे रिवेंजर तो ही है। नहीं 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 एक सेकंड। नहीं मैं गया बच गया। शिट ये कहाँ बसा दिया भाई? भाई ऊपर से देख रहे हो? नहीं फॉरेस्ट बस किस और? नहीं मैं गया। ओ शिट ओके आ गया बाय। एक तो फॉरेस्ट बस किस और? नहीं यार क्यों मारा आपने ऐसे? ये बाद में बताऊंगा छोटे क्या बच्चे, जल्दी। आपको मारा क्यों भाई? यार मैं इतना अच्छा आपको आर्मर देने वाला था यार, प्रोटेक्शन सिक्स का, वैसे ही ले लिया। क्या बताऊं यार कैसे कैसे लोग हैं यार इस आर्मर देने कंपनी में। वाले थे? भाई प्रोटेक्शन सिक्स का आर्मर देने वाला था, मैं अभी आ ही रहा था, इसीलिए तो उसे मैंने बोला था कि एक काम है। ऐसा था क्या? हाँ चलो कोई ना, अभी मैंने ले ही लिया है, ऐसे छीन के लेने में ज्यादा मजा आया। और सारा सामान दे दो ना मुझे। और ले जाना यहां से, मैं कहीं डालूंगा। सच में ऐसी बात थी क्या? हाँ सच में देने वाला था भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, तभी तो मैंने बोला था एक काम है। क्या ऐसे कैसे लोग यार पर देने क्यों वाले थे आप? भाई? ऐसे ही देने वाला था ये क्योंकि लो मुझे ये लगा था लो ये ये लो ये लो ये लो, दो। देने वाले हो चाहे नहीं, मैंने अब ले लिया है। चलो भाई खेल खत्म, मार के लेने का आप लोग का अलग ही है भाई। ठीक है बाय बाय। ओके गाइस तो यही था आज इस वाले वीडियो पे, और इस वाले वीडियो का लाइक गेम जो कि अपन 25,000 लाइक का सॉरी उसे कंप्लीट करवा दो अभी, कभी एक लाइक कर दो, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहेगी। और भाई मैं अभी तक कंफ्यूजन में हूँ कि भाई वो कह क्या रहा था, उसे देना क्यों था वापिस, लेकिन चलो जो भी हो, अभी वहाँ पे मैंने एंड क्रिस्टल वगैरह भी नीचे लगा दिए थे ट्रैप में, लेकिन ना ही उससे मरा ना ही रेवेजर से मरा, सब कुछ नल्ला है भाई प्रोटेक्शन सिक्स के आगे, तो आगे से इस बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।